देखिए, बचपन से हमें यही बताया गया है कि भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है ओवर पॉपुलेशन, और इस समय हम दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हैं। लेकिन अगर आप सरकारी आंकड़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में इस वक्त फर्टिलिटी रेट 2.0 है, जबकि यूएन का कहना है कि किसी भी देश की अपनी पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए 2.1 का फर्टिलिटी रेट होना चाहिए। यानी भारत में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आज भारत का मिडिल क्लास है जो कि कम से कम बच्चे पैदा करना चाहता है, और यही डेमोग्राफिक तेजी से ग्रो भी कर रही है। पर आखिर क्यों लोग अब बच्चे पैदा नहीं करना चाहते? भारत के लिए आगे चलकर क्या ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, इस वक्त तो ज्यादातर ट्रेंड्स हमें यही बताते हैं कि इस समय अगर कोई सेक्शन सबसे कम बच्चे पैदा कर रहा है तो वो है मिडिल क्लास इंडियंस। इसलिए ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स और रीजंस भला क्या हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि भैया इसके पीछे सिर्फ इकोनॉमिक रीजन है कि अब खर्चे इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि लोग बच्चे पैदा करना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। आज भारत में बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वो एक अच्छी जॉब में हैं जहां उनके पास एक अच्छी सैलरी भी है, लेकिन फिर भी उन्हें बच्चे नहीं चाहिए। इसको अगर हम एनालाइज करें तो सबसे पहली वजह जो हम पाते हैं वो है चेंज होता हुआ कल्चर और लाइफस्टाइल चॉइसेस। बच्चों को संभालना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, स्पेशली भारत जैसे देश में जहां 18 साल के बाद भी बच्चे अपने ही पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी एजुकेशन का खर्च भी खुद उठाएंगे। अभी इस समय कई कपल्स ऐसे हैं जो कि आराम से एक या दो नए फैमिली मेंबर्स का लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो ऐसा करें क्यों। आज के समय में सोसाइटी इंडिविजुअल फ्रीडम को बाकी किसी भी चीज से ज्यादा अहमियत देती है, और बहुत से लोगों के लिए बच्चे पैदा करने का मतलब है कि खुद को रेस्ट्रिक्ट कर देना। अगर आपके बच्चे हो जाएंगे तो मुमकिन है कि आप काम के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं घूम पाएंगे, ज्यादा हॉलीडेज पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि बच्चों के स्कूल्स का इशू आ जाएगा, और साथ ही आपके लिए खुद के लिए टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले जहां शादी के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि अब आपको एक या दो बच्चे तो जल्द से जल्द पैदा करने ही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चॉइस कपल्स के हाथ में है, फैमिली या सोसाइटी के हाथ में नहीं है, जिस वजह से हॉलीडेज, फ्री टाइम और हॉबीज जैसे फैक्टर्स पहले जरूरी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब डिसीजन मेकिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। अब देखिए, बच्चे पैदा करने के साथ साथ जो दूसरा बड़ा इशू मिडिल क्लास के लोगों का है वो ये है कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी का खत्म हो जाना। आज की मॉडर्न सोसाइटी एक ऐसा सिविलाइजेशन मावल है जहां एक आदमी को इतनी फ्रीडम तो है कि वो हर 5 साल में अपने करियर को पूरी तरह शिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा आज के समय में एक ही शहर में रहना और एक ही तरह की लाइफस्टाइल कॉन्स्टेंटली जीते रहना भी बहुत पॉपुलर नहीं है। लेकिन एक बच्चे की जिम्मेदारियों के कारण आपकी ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मान लीजिए, जो शायद अब कुछ साल क्रिप्टो या फिल्म मेकिंग जैसे पाथ पर जाना चाहता है, तो वो अपने बच्चे की वजह से नहीं जाएगा क्योंकि करियर शिफ्ट करने में हमेशा एक रिस्क रहता है। क्या जब उसके ऊपर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वो ये रिस्क उतनी ही आसानी से ले पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बच्चे को पालने के लिए उसे एक स्पेसिफिक इनकम मेंटेन करनी होगी, एक ही शहर में रहना होगा ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, और साथ ही बच्चों को क्योंकि अपने आसपास सोसाइटी की भी जरूरत होती है जिनमें उनके रिलेटिव्स और दोस्त होते हैं। तो इस वजह से अगर आप इस तरह से अपने करियर को लेकर या आप कहाँ रहना चाहते हैं उसको लेकर डिसाइसिव नहीं है तो ये बच्चों को भी साइकोलॉजिकली हार्म कर सकता है। बच्चे पैदा ना करने की एक और बड़ी वजह यह है कि हम अब उपभोगतवादी समाज में बदलते जा रहे हैं, जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें कंज्यूम करनी है। हम हर तरह का नया पिज्जा खाना चाहते हैं, हमें थिएटर में भी फिल्म देखनी है और नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजोन जैसे सभी OTTs का सब्सक्रिप्शन भी लेना है। आप अगर बच्चे पैदा कर लेंगे तो हो सकता है तब भी आप ये लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकें, लेकिन तब आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर सोचिए, जिन पेरेंट्स ने रिसेंटली किसी बच्चे को जन्म दिया है उनके पास शायद मनी हाइस्ट और स्ट्रेंजर थिंग्स के नए एपिसोड्स देखने का समय ना हो। अब सुनने में ये रीजन बहुत ही अजीब लग सकता है, लेकिन हमारा आज का जो सोशल फैब्रिक है वो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन पर ही बेस्ड है। आप किस तरह की चीजें देखते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, कहाँ पर घूमना चाहते हैं, इसी से हमारी सोशल रिलेशनशिप्स भी डिफाइन होती हैं, और एक बच्चा इस पूरे लाइफस्टाइल में 180 डिग्री का टर्न ले सकता है। कंज्यूमरिज्म एक इंटरेस्टिंग फिलॉसफी इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि इसमें आप किसी भी चीज को एक प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, आज नॉस्टैल्जिया से लेकर लव जैसे इमोशंस के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मौजूद हैं। उसी तरह मदरहुड या पेरेंटहुड को कंज्यूमरिज्म में लोग पेट पेरेंट्स बनकर भी रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यह तय करना मुश्किल है कि बच्चों को पेट से रिप्लेस करना कितना ठीक है, लेकिन ये एक रियल चेंज है जिसे एक वक्त बाद इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा।
कंज्यूमरिज्म का एक और एक्सट्रीम एग्जाम्पल मॉडर्न डेटिंग भी है, जिसमें लोग कमिट नहीं करना चाहते। हो सकता है कि आप किसी इंसान के साथ 5 साल या 10 साल भी रहना चाहते हो, लेकिन मॉडर्न जनरेशन में आपको शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो पहले की तरह पूरी जिंदगी साथ रहने की बात करे। इस तरह की नॉन कमिटमेंट वाली जनरेशन के सामने जब बच्चों का सवाल आता है तो उनके लिए कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर हम इस जनरेशन को बिना जज किए हुए एनालाइज करें तो एक तरह से हमें उनके आर्ग्यूमेंट्स में कुछ मेरिट्स भी मिलेंगी। देखिए, अगर कोई इस बारे में पहले से ही कंफ्यूज है कि क्या वो अपने पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता है, तो फिर उसके लिए अपने पार्टनर के साथ एक बच्चा पैदा करना तो और भी बहुत बड़ा इशू है। डिवोर्स और कस्टडी बैटल्स के कारण कई पेरेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चों के लिए भी इस तरह के चेंजेस आसान नहीं होते। अब लॉ तो अपनी जगह पर एक फ्रेमवर्क बना सकता है, लेकिन सभी की इमोशनल नीड्स अलग होती हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जब ऐसी कोई नौबत आएगी तो हम कोर्ट्स को डिटरमाइन कर देंगे कि क्या किया जाना चाहिए और उससे सही हल निकल जाएगा, जिस वजह से बहुत से लोग खुद को ऐसी पोजिशन में ही नहीं डालना चाहते जहाँ पर भैया उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। खैर, अब आते हैं बच्चा ना पैदा करने की कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज पर। अगर हम भारत की इकोनॉमिक जर्नी को ट्रेस करें तो 90 के दशक के बाद से हमारी इकोनॉमी ने एक बड़ा जंप लिया है, जिसकी वजह से आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास में जंप करने की एस्पिरेशन रखते हैं, और फाइनली उनके पास ये चांस है कि वो अपने करियर्स पर ध्यान देकर इन एस्पिरेशन को पूरा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे समय में बच्चे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकते हैं उनके इस जंप में मुश्किल पैदा करने के लिए। दूसरा बड़ा प्रैक्टिकल कारण यह है कि भारत में एक बच्चे को पालना बहुत आसान नहीं है। इस समय दिल्ली एनसीआर में 3 लाख बच्चों के लिए सिर्फ 2,500 स्कूल्स हैं, जिनमें से ऐसे स्कूल्स का नंबर तो और भी कम है जहां अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलती हो। यही हाल बाकी बड़े शहरों का भी है। तो ऐसे में अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को कुछ अच्छे स्कूल्स में एडमिशन मिल जाए तो उन्हें काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। एडमिशन सेशंस में आपको ऐसी बहुत सी न्यू आइटम्स मिल जाएंगी जिसमें आप देखेंगे कि पेरेंट्स किसी स्कूल के बाहर एडमिशन फॉर्म लेने के लिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं, क्योंकि डिमांड के हिसाब से अच्छे स्कूल्स का नंबर आज भी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अलावा एक बड़ा कारण सेफ्टी का भी है, चाहे हम बाकी चीजों को इग्नोर भी करते चलिए, लेकिन आज भी भारत में बच्चों की सेफ्टी, स्पेशली गर्ल चाइल्ड की सेफ्टी, एक बहुत बड़ा इशू है। आज भी लड़कियों के पेरेंट्स को ये चिंता रहती है कि उनकी बेटी को कोई रास्ते में हैरेस ना कर दे। ज्यादातर इलाकों में तो पुलिस प्रशासन भी ऐसा है जो हैरेसमेंट को अभी भी एक सीरियस ऑफेंस नहीं समझते हैं। तो ऐसे में एक सिटीजन जो लॉफुली अपनी लाइफ गुजारना चाहता है, वो कॉन्स्टेंटली अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर ना सिर्फ परेशान रहता है बल्कि हेल्पलेस भी फील करता है, क्योंकि अब हम लोग जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट से भी दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो फैमिली का सोशल नेट सिक्योरिटी को गारंटी करता था, वो भी अब नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग बच्चे पैदा करने से कतराते हैं भैया। एक और फैक्टर जो लो बर्थ रेट्स में एक कॉन्ट्रीब्यूटर है, वो है सोशल इंसेंटिव। देखिए, ज्यादातर कल्चर्स में पहले ज्यादा बच्चे पैदा करना सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन आज आप बड़े शहरों को तो छोड़ दें, लेकिन गांव और कस्बों में भी कोई कपल ऐसा होगा जिसके 3 या 4 बच्चे होंगे तो उसे एक अजीब सी नजरों से देखा जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सभी को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन हम ये नोटिस जरूर कर सकते हैं कि आज एक ऐसा कपल जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें नॉर्मल नहीं समझा जाता और सोसाइटी कुछ हद तक 2 बच्चों के फिगर को लेकर थोड़ी सी बायस्ड है। इसके पीछे सोसाइटी या उस कपल की गलती बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसमें हमारी सोशल कंडीशनिंग का भी हाथ है। सोचिए, जिस जनरेशन को बचपन से ही जनसंख्या विस्फोट के खतरे, हम दो हमारे दो के नारों के साथ पाला गया है, जब वो लोग अडल्ट्स बनेंगे तो इस तरह की बातें उनके दिमाग के अंदर बहुत गहरे तौर पर असर करेंगी। ओवर पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और इन्हें बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक तरह की बायस भी क्रिएट की हुई है जिसके बारे में भी हमें अवेयर रहना चाहिए। यही सोशल कंडीशनिंग हम चीन में भी देख सकते हैं, जहां वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण सालों तक पॉपुलेशन ग्रोथ को आर्टिफिशियली सप्रेस किया गया, लेकिन 2015 से जब से वहां वन चाइल्ड पॉलिसी को अबॉलिश किया गया है, उनके बर्थ रेट्स में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आया और अब तो उनकी पॉपुलेशन हर साल डिक्लाइन ही करेगी। भारत के लिए अभी भी अच्छी खबर यह है कि सभी इंडिकेटर्स बताते हैं कि 2030 से 35 तक हमारी पॉपुलेशन ग्रो करती ही रहेगी, लेकिन उसके बाद ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। अब इसी सोशल कंडीशनिंग का एक और उदाहरण आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जॉइंट फैमिलीज के कॉन्सेप्ट के कारण पहले बच्चों को पेरेंट्स अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी यानी बुढ़ापे की लाठी के तौर पर भी देखते थे,
अब ये बात सही है या गलत, इस पर अलग से डिबेट की जा सकती है, लेकिन इस समय में जो यंग कपल्स हैं उनकी बच्चों को लेकर अप्रोच बहुत अलग हो गई है। वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि उनके बच्चे उनके बुढ़ापे में उनका ध्यान रखेंगे, बल्कि सभी के पास अपने रिटायरमेंट के लिए अलग अलग प्लान्स हैं। और कई लोगों के लिए तो अब ये आइडिया भी बहुत ऑफेंसिव है कि वो अपने बच्चों से इस तरह की कोई हेल्प एक्सपेक्ट भी करें। एक और प्रॉब्लम जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी को सॉल्व करनी पड़ेगी, देखिए, वो है औरतों की तकलीफ। पेरेंटहुड के सेंटर में मदरहुड है, और ये बात कहना भी गलत नहीं होगा कि एक मदर के ऊपर पेरेंटिंग का एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। ऐसे में अभी हमारी सोसाइटी में मैटरनिटी लीव तक को लेकर डिबेट चल रही है। अगर हम मैटरनिटी लीव और एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव जैसे कॉन्सेप्ट्स को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो जो करियर ओरिएंटेड औरतें हैं वो हमेशा ही माँ बनने से कतराती रहेंगी, क्योंकि उन्हें ये डर बना रहेगा कि भैया कहीं उनकी प्रेगनेंसी उनके करियर को नुकसान न पहुंचा दे। आज भी हम हायरिंग और प्रमोशंस के समय में इस तरह की बायसेस को देखते हैं, जहां मैनेजर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि क्या जिस औरत को वो हायर या प्रमोट कर रहा है वो आने वाले समय में पेरेंट बनने का तो प्लान नहीं कर रही है। जब तक एज अ सोसाइटी हम औरतों को उनके करियर और मदरहुड के बीच में चॉइस देते रहेंगे, तब तक लो फर्टिलिटी रेट जैसी प्रॉब्लम्स को टैकल करना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि भारत में भी सिक्किम जैसे राज्य आज औरतों को मैटरनिटी लीव जैसी फैसिलिटीज ही नहीं बल्कि पेरेंट बनने के लिए कैश इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, और यही सेम चीज सिंगापुर और चीन जैसे देशों में भी हम देख रहे हैं। आखिर में जो दो और माइनर फैक्टर्स हैं लोगों को बच्चा पैदा करने से रोक रहे हैं वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ग्लोबलाइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ इसलिए बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, लेकिन आज के समय में कुछ कपल्स के लिए ये कई फैक्टर्स में से एक फैक्टर जरूर है। कुछ हद तक इसका जस्टिफिकेशन ऐसे भी दिया जाता है कि जिस तरह की दुनिया में हम रह रहे हैं क्या वहां एक नए जीवन को लेकर आना सही भी है या नहीं, ये सवाल भी लोगों को तंग करता है, और इसलिए माइनर ही जरूर लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा माइनर फैक्टर ग्लोबलाइजेशन। इस वक्त हम एक ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जिसके लिए उनका देश, उनका शहर या उनका कबीला मायने नहीं रखता, बल्कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बाउंड्रीज को खत्म कर रहे हैं। इसी वजह से हम फ्री मूवमेंट को इतना हाई रेट करते हैं। सभी चाहते हैं कि इस तरह की सोसाइटी हो जिसमें आप किसी भी देश या शहर में जाकर रह सकें और वहां अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकें। अब ऐसे में हमारे जितने भी डिसीजंस हैं उसमें हमारा पहला फोकस किसी और का नहीं बल्कि खुद की हमारी जरूरतें हैं। आप अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को देख सकते हैं जहां फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, लेकिन क्योंकि उनके पास हर साल लाखों करोड़ों इमिग्रेंट्स आ जाते हैं इसलिए वो कोलैप्स नहीं कर सकते। हो सकता है कि आने वाले समय में जब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन और भी ज्यादा फेयर हो जाएगा तब लोग ज्यादातर नेशंस के बीच में मूव करते रहेंगे, और शायद इस तरह भी हम इस लो फर्टिलिटी रेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। खैर, इस पर सभी का अपना अपना एनालिसिस है और उसी के हिसाब से वो सॉल्यूशंस भी प्रपोज करते रहते हैं। लेकिन आपको इस विषय पर क्या लगता है और क्या आप समझते हैं कि लो फर्टिलिटी रेट का सॉल्यूशन ग्लोबलाइजेशन हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।